students, welcome again. In the last video we have studied about nutrition and mode of nutrition. Now today we will study nutrition in human beings. Let's see here, this is a diagram of human alimentary canal. Okay, human alimentary canal, and these are the parts of human alimentary canal: mouth, esophagus, stomach, pancreas, liver, gallbladder, bile duct, duodenum, small intestine, appendix, large intestine and anus. Okay, so we will study in detail all the parts in detail. Okay, so firstly we will study about alimentary canal. What is alimentary canal? It is a long tube. ये एक long tube होती है, extending from mouth to anus. कहां से कहां तक extend करती है? Extending from mouth to anus. Okay. In this different regions are present and they are specialized for performing different functions. So various regions perform different functions. Understood? Okay, now we will start from the mouth. First is mouth. Okay. Mouth, it is also known as buccal cavity. इसको और क्या बोलते हैं? Buccal cavity और oral cavity. या फिर और क्या बोलते हैं? Oral cavity बोलते हैं. ठीक है? It consists of three parts. First one is teeth. Second one is tongue. And the third one is salivary glands. Okay, now let's see each and every part. Teeth. Okay, what is the function of teeth? It helps in chewing the food. ये किसमें help करता है? Food को chew करने के लिए. Chew करना means चबाने में. जैसे अपन फूड ईट करते हैं, माउथ से अपन ईट करते हैं और फिर सबसे पहले वो कहाँ जाता है? टीथ में जाता है, जिससे हम उसको चबाते हैं, उसको च्यू करते हैं. ओके, नाउ टंग. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विथ सलाइवा. ये क्या करता है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है. ठीक है, वन मोर फंक्शन ऑफ टंग इज देयर. व्हाट What is its function? Another function, that is tasting the food. Why? Because taste buds are present in it. Taste buds are present in it. Okay. Now, third part is salivary glands. Salivary glands, it contains saliva. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा प्रेजेंट होता है, which is secreted by an enzyme that is called salivary amylase. सलाइवा जो है वो एक एंजाइम की हेल्प से सिक्रीट होता है और उस एंजाइम का नाम होता है salivary amylase. And what is the function of this salivary amylase? It helps in digestion of, or it helps in breakdown of carbohydrates into glucose. ये carbohydrates को glucose में break करता है. Understood? Glucose तो याद ही होगा सबको, मैंने बताया था जब ग्लूकोन डी पीते हैं तो जान में जान आ जाती है ना. So what is the function of salivary amylase? It breaks down carbohydrates into glucose. Okay, now next part is esophagus. Okay, what is another name of esophagus? Foot pipe is the another name of esophagus. What is esophagus? It is made up of muscles.
किससे मिलके बनता है? मसल्स से बनता है, ठीक है। एंड मसल्स कैसी होती हैं? दे आर फ्लेक्सिबल, मसल्स आर फ्लेक्सिबल। अब जब फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? लचीला, ठीक है। फ्लेक्सिबल मतलब जब भी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं तो क्या होता है, इसकी ये जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रेक्शन मीन्स सिकुड़ जाना और रिलैक्सेशन मीन्स खुल जाना, ठीक है। तो ये किसमें हेल्प करती हैं? हेल्प इन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तो फूड जो माउथ में रहता है वो यहां से ट्रेवल करता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है फूड का फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर द डेफिनेशन, द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ फूड पाइप विच पुशेस द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। क्या है डेफिनेशन? द कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ फूड पाइप विच पुशेस द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मीन्स फूड पाइप जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो वो क्या करता है? फूड को पुश करता है माउथ से स्टमक में, यहां से लेके यहां तक। सो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। नाउ फूड एंटर्स इन स्टमक। अब फूड कहाँ आ गया? स्टमक में, ओके। स्टमक, इट इज अ मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गेन। इसका शेप कैसा होता है? जे शेप, ठीक। एंड इट्स स्ट्रक्चर इज बैग लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अपने बैग्स होते हैं ना उनके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्या करता है ये? इट स्टोर्स फूड फॉर अबाउट 3 to 4 hours, 3 to 4 hours के लिए फूड जो है वो स्टमक में ही स्टोर रहता है, ठीक है। नाउ ये जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, ये जो वॉल्स होती हैं, वॉल्स ऑफ स्टमक कंटेन ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, दे सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, और ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करती हैं, ठीक। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं दे हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स, इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। सो वी विल स्टडी ऑल द कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स, ओके। अंडरस्टूड हियर? नाउ फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इज HCl। ऑल हैव हर्ड अबाउट HCl ना? इट इज अ टाइप ऑफ एसिड, इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि अपन को एसिडिटी टाइप की रखती है जब हम ज्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, ठीक है ना। तो वो किसके कारण होती है? जब HCl ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो हमें क्या होता है? एसिडिटी होने लगती है, पेट में जलन होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इनो लेते हैं या कोई एंटासिड वगैरह लेते हैं। अब क्यों लेते हैं हम वो एंटासिड? क्योंकि एंटासिड क्या होते हैं? वो बेस होते हैं, ठीक है। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस क्या करता है? उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट फॉर्म कर देता है, इसलिए उससे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट्स द
फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम. इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके एक्शन को ये फैसिलिटेट करता है. अगर जब तक ये एसिडिक मीडियम क्रिएट नहीं करेगा तब तक एंजाइम जो है वो एक्टिव नहीं रहेंगे, दे विल बी इनएक्टिव. ओके, नाउ सेकेंड कंपोनेंट इज म्यूकस. सेकेंड कंपोनेंट क्या होता है? म्यूकस होता है. व्हाट इज म्यूकस? इट्स अ स्लिमी मटेरियल. स्लिमी मतलब क्या होता है? एकदम सा सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, चिकना मटेरियल होता है, दैट इज नोन एज स्लिमी मटेरियल. ये क्या करता है? इट फॉर्म्स अ लेयर बिटवीन फूड एंड वॉल्स ऑफ स्टमक. ये क्या करता है? ये फूड और स्टमक की वॉल के बीच में एक लेयर फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो एसिड होता है, जो एसिड बनता है उसका कॉन्टेक्ट स्टमक से नहीं हो पाता है. जैसे हमें एसिडिटी वगैरह या जो बर्निंग सेंसेशन होते हैं वो सब हमें फील नहीं होते हैं. तो मेन फंक्शन इसका क्या हो गया? इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की वॉल्स को. अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट इट इज एन एंजाइम, दैट इज पेप्सिन. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? इट हेल्प्स इन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. ये किसमें हेल्प करता है? प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में. ठीक है, प्रोटीन्स. और किसमें ब्रेक डाउन करता है? इनटू अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स किसमें ब्रेक हो जाते हैं? अमीनो एसिड्स में. अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. क्या होते हैं ये? सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स. ओके, जैसे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म होता है ना, वैसे ही अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज गैस्ट्रिक लिपेस. एक और कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज गैस्ट्रिक लिपेस. ठीक है, वॉट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. लिपेस मतलब लिपिड्स. ठीक है, किसमें हेल्प करता है? फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, नाउ दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस. ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूसेस के कंपोनेंट्स हैं. नाउ अब क्या होता है? इतना यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, फैट्स का डाइजेशन हो गया. नाउ फूड एंटर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब फूड कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो अवर फोर्थ पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब फूड इसमें एंटर हो गया, स्टमक से फूड अब कहाँ एंटर हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, लेकिन इसका नाम क्या रखा गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन. क्यों? क्योंकि ये इसके में बहुत ज्यादा कोइल्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती है और कॉम्पैक्ट स्पेस में रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. ठीक है, नाउ इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस. कहाँ फिटेड रहता है? कॉम्पैक्ट स्पेस में फिटेड रहता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग, बहुत ज्यादा कॉइल्ड रहता है, बहुत ज्यादा. ये जैसे आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो बोर्ड था, यहाँ पे ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए मैंने इतनी ही कॉइलिंग बनाई है. आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में ज्यादा कॉइलिंग बनाएंगे. ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड रहता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, अब यहाँ पे डू यू नो दैट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. और ये क्यों होती है डिफरेंट? बिकॉज ऑफ देयर फीडिंग हैबिटेट्स. उनकी फीडिंग हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग जो लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, जैसे कि हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स को ईट करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं. ठीक है, तो जो हर्बीवोर्स होते हैं दे नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन. उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत होती है. क्यों?
आपने देखा होगा जो काऊ बफेलो वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं पूरे टाइम अपना उनका जो मुंह है वो पूरे टाइम वो चलाते रहते हैं, ठीक है ना, वो जुगाली करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं जुगाली करना, ठीक है। क्यों उनको जरूरत होती है? बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट सेलुलोज, क्योंकि प्लांट्स में जो है सेलुलोज ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। एज ऑन द अदर हैंड कार्निवोर्स दे नीड स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनको छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। व्हाई? बिकॉज मीट इज इजली डाइजेस्टेबल, क्योंकि जो मीट है वो इजली डाइजेस्ट हो जाती है, इसलिए उनको स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है। ओके, अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, नाउ ठीक है, व्हाई दैट कार्निवोर्स नीड स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज द मीट इज इजली डाइजेस्टेबल। ओके, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ये कंप्लीट डाइजेशन की साइट होती है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मींस ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यहीं पे पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जो भी फूड हम ईट करते हैं, जो भी प्रोसेस होता है डाइजेशन का, वो सब कहाँ पे कंप्लीट होता है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। एंड इट रिसीव्स सिक्रीशन, ये सिक्रीशन रिसीव करता है, सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियास, लीवर और पैनक्रियास से जो है ये सिक्रीशन को रिसीव करता है। अब लीवर और पैनक्रियास, नाउ वी विल स्टडी अबाउट लीवर एंड पैनक्रियास, सी है लीवर एंड दिस इज पैनक्रियास। ओके, नाउ फर्स्ट इज लीवर, ठीक है। व्हाट इज लीवर? इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड, ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट हेल्प्स, नहीं, व्हाट इट सीक्रेट्स? इट सीक्रेट्स बाइल जूस, ये क्या करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये किस में हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में। हियर न्यू वर्ड ना, दैट इज इमल्सिफिकेशन। So what is emulsification? The breakdown of larger fat molecules into smaller fat molecules. Kya hota hai emulsification? Breakdown of larger fat molecules into smaller fat molecules. जो लार्जर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स, दे आर नोन एज इमल्सिफाइड फैट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफाइड फैट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड फंक्शन क्या होता है इसका? इट मेक्स मीडियम एल्कलाइन, ये क्या करता है? जो एसिडिक मीडियम होता है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है, ताकि डाइजेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो सके। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पेनक्रियास, ठीक है। ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस, ये क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, ठीक है। एंड इन दिस पेनक्रियाटिक जूस 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्या करते हैं ये पेनक्रियास? दे सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो 3 टाइप्स के एंजाइम्स इसमें सिक्रीट होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन? इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, सेकेंड एंजाइम इज पेनक्रियाटिक अमाइलेज, what is the function of it? It helps in the breakdown of carbohydrates,
किसमें हेल्प करता है? कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स लिसन, कीप दिस इन योर माइंड। ये जो वर्ड एमाइलेज है, ये जो वर्ड एमाइलेज है, इसका जहां भी यूज होगा मीन से किसमें हेल्प करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक लिपेज। थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक लिपेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इट? इट हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। ये किसमें हेल्प करता है? फैट्स के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। अंडरस्टूड? नाउ जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, सी ये जो वॉल्स है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, दे कंटेन ग्लैंड्स। जो वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की कंटेन ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। ये क्या सिक्रीट करते हैं? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये जो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। एंड जो एंजाइम्स इनमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? फाइनली कन्वर्ट करते हैं, फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स इंटू अमीनो एसिड्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंटू शुगर। एंड फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। मींस यहां पर जो है अब पूरा डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ जो अब डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो कहां चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में चले जाते हैं, ठीक है। हियर वन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड विलाय, ठीक है। जो इनर लेयर होती है, इनर लाइनिंग जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। ये जो अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है ना ये, ठीक है, इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें प्रेजेंट होते हैं एंड दैट आर कॉल्ड विलाय। उनको हम क्या बोलते हैं? विलाय बोलते हैं। फिंगर लाइक मीन्स जैसे अपनी फिंगर्स होती है ना वैसे होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाय। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये क्या करते हैं? दे आर इंक्रीज, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब ठीक है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये जो विलाय होती है दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? व्हाट आर ब्लड वेसल्स? जो ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब्ड फूड को लेते हैं। विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। एब्जॉर्ब्ड फूड को कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? बॉडी के हर सेल में लेकर जाते हैं ये, ठीक है। कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और वहां पे इसका क्या यूज करते हैं? ये एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। हमारी बॉडी इन सब का यूज करती है किस लिए? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए और न्यू टिश्यूज को फॉर्म करने के लिए।
लिए यूज करते हैं उस फूड को, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए करते हैं, न्यू टिश्यूज को फॉर्म करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है ये कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब ये एब्जॉर्ब फूड तो हमने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, हमारी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अब उसमें से भी क्या होता है, कुछ फूड जो है वो अनएब्जॉर्ब रहता है, ठीक है। तो अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो है वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसकी जो वॉल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इसकी वॉल्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड होता है ना, उसमें जितना भी वाटर होता है उसमें से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। और जितना फूड बचता है, रेस्ट मटेरियल जो होता है वाटर को छोड़ के, फिर और जितना रेस्ट मटेरियल होता है इट इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी से फिर रिमूव्ड हो जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, ठीक। एनस से जितना भी रेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव्ड हो जाता है, ओके। क्या है ये, दिस इज द होल ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ओके।